भाई साहब एगो समय रहे जब गांव में केहू मछली पालन करत रहे और मुर्गी फार्म खोल दे तो पूरा गांव में कहीं ना कहीं ओकर मजाक उड़ावे कि हे फलानवा तो मुर्गी फार्म खोल लेवा हो। लेकिन जब से सरकार बदलल आ सरकार नयका जौन आयल बा तू इतना योजना लेके आयल बा ना कि जौन युवा वर्ग बेरोजगार रहे अगर तनिको दिमाग लगाई तो कहीं ना कहीं वो कमा के माला माल हो जाई। नमस्कार, हमार नाम हो सतीश, रउआ सब देखत बानी चौथा स्तंभ भोजपुरी। ये समय हम मौजूद बानी महाराजगंज जनपद के मिठौरा ब्लॉक के बरोहिया जौन गांव बा वही बानी और हम ये समय मेधा मत्स्य पालन पे मौजूद बाटी और यहाँ पर एगो डॉक्टर बाटे संजय कुमार श्रीवास्तव, उनके द्वारा जौन बा लगभग 25 से 30 वर्ष से यहाँ पर मछली पालन कही जाता है। भाई देखा जाए सामने पूरा कईयों एकड़ में फैलल बा और कहीं ना कहीं ये मछली पालन में वो कम से कम हमें जहाँ तक अंदाज लगा था 15 से 20 लाख रुपए लगौले हुई हैं। लेकिन यही मछली पालन से वो लाखों रुपया कमा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जौन समाज में धब्बा के विषय बनत रहे जौन बिजनेस शुरू कैले में वह बिजनेस अब लोगन के माला माल करता और युवा वर्ग अगर चाहे तो यहाँ आके सीख भी सकेला। डॉक्टर साहब से बात भइल बा, बाकी यहाँ निरंतर जौन स्कूल के लड़के बाटे जौन तमाम सारा पढ़ाई पढ़ाते हैं ये बारे में उहो लोग आवे ला। बाकी यह खबर बनौले के यह उद्देश्य बा कि जौन लोग काम कैले से डरा ला कि हाई छोट काम बा हाई बड़ा काम बा, अगर क्रमबद्ध तरीके से दिमाग लगा के कैल जा तो कहीं ना कहीं उसे भी बहुत अधिक पैसा कमाइल जा सकल जाला। और आपके हम ये पूरा वीडियो में दिखाई भी और बताई भी कि आखिर कैसी कैसी मछली प्रजनन केंद्र जौन बा ओपार मछली तैयार होलिन। तो बाकी आप पूरा जानकारी लेवे खातिर हमारे जौन वीडियो बा ओके स्किप न कैल जाई, पूरा देखल जाई। और अगर ये वीडियो आपके समझ में आई बढ़िया लगी तो एक लाइक भी करल जाई, सब्सक्राइब भी चैनल के कर लिया जाई और शेयर भी कर दिया जाई। बाकी ये वीडियो जब आप देखल जाई तो आपके का समझ में आवाता हमारे जो नीचवा कमेंट बक्सवा बा वो खुलल रही, वो मान आप सब जाके अपन विचारवा जौन बा वो रखल जाई तो हमारों के तनी नीमन लगी।